हम लोग पीछे स्टडी किए थे ग्रुप के बारे में। आज चर्चा होगा पीरियड। पीरियड क्या है? सबसे पहले इस बात को अगर हम देखते हैं पीरियड के बारे में, तो पीरियड एक हॉरिजेंटल रोज होता है। इस तरह का रोज को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो कहलाता है पीरियड। उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड देते हैं। इस पीरियड के अंतर्गत जो एलिमेंट होते हैं उसके आधार पर हम लोग स्मॉलेस्ट, स्मॉल, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट का चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड को हम स्मॉलेस्ट कहते हैं, जहाँ आप देखेंगे हाइड्रोजन से शुरू होती है और हीलियम तक किया जाता है। अगर आज के आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 होगा। सेकेंड और थर्ड पीरियड को, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड पीरियड हुआ, इसको स्मॉल कहलाता है, जिसमें लिथियम से आप शुरू करेंगे नियंत्रक की बात करते हैं, जिसमें 8 एलिमेंट्स होता है। सोडियम से आप शुरू करेंगे, 11 है, आर्गन पुर जाता है, वो 8 एलिमेंट्स होता है। अगर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम देखें गौरों से, उसमें पाएंगे कि पोटासियम से अगर शुरुआत हो तो क्रिप्टन तक होती है, और ये रुबेडियम से शुरू होगी तो जेनोन तक जाता है, और ये सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड जो अपने आप में लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसमें सीजियम से स्टार्ट होकर रेडोन तक जाता है, इसमें 32 एलिमेंट है। और अगर हम 105 एलिमेंट्स का अकाउंट्स को ध्यान में रखें, अर्थात 105 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो 105 एलिमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं तो एक एक्स हम आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए हैं, तो उसमें हम 19 एलिमेंट लेते हैं। तो टोटल एलिमेंट अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ भी 105 एलिमेंट्स आते हैं। मैं इस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि ये जो स्मॉलेस्ट, स्मॉल, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट का मीनिंग है कि पीरियड के अंदर जो मेंडलीफ के द्वारा एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया था, उसमें अगर हम देखते हैं तो जो एलिमेंट है ये लॉन्गेस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें एक ग्रुप और है, जो आपको आगे चलकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसे लैंथोनाइड्स कहते हैं। इसमें भी है जो एक्टिनाइड्स है। आइए दोबारा इस बात को समझें। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, कि समान तौर से उसका वैलेंसी फिक्स होता है, और वैलेंसी फिक्स होने के चलते वो अपने अनुसार कंपाउंड का निर्माण करता है। लेकिन फोर्थ पीरियड में देखेंगे तो 8 एलिमेंट्स नॉर्मल का सीधा मीनिंग है वैलेंसी फिक्स है, और ये जो 10 एलिमेंट्स है तो उसमें ये टीएमएस है। टीएमएस का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल, वह एलिमेंट जिसका कि वेरिएबल वैलेंसी है, जैसे आयरन हो गया, फेरस फेरिक है, उसी तरह मैंगनीज आप ले सकते हैं, आप कोबाल्ट ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, ये टीएमएस के नाम से जाना जाता है। एब्रीवेटेड वर्ड में हम इसको टीएमएस लिखते हैं संक्षिप्त रूप में। फिफ्थ एलिमेंट्स का अगर देखें, इसका मतलब फोर्थ पीरियड को यहाँ देखें, 18 एलिमेंट्स का अगर आप थोड़ी देर के लिए, ये 18 आया कैसे, तो 8 एलिमेंट्स नॉर्मल है और 10 एलिमेंट टीएमएस है। उसी तरह फिफ्थ पीरियड लीजिए आप, तो 8 एलिमेंट्स यहाँ नॉर्मल है और 10 एलिमेंट टीएमएस है। टीएमएस का मतलब ट्रांजिशन मेटल, हिंदी में संक्रमण धातु कहते हैं, जिसका वेरिएबल वैलेंसी है
सिक्स पीरियड अगर लेकर चलते हैं तो एट एलिमेंट्स ऑलरेडी नॉर्मल है, फिक्स वैलेंसी है। टेन एलिमेंट्स जो है वो टीएमएस है, जो वेरिएबल वैलेंसी है, और फोर्टीन एलिमेंट्स है जो लेंथनाइट्स है। लेंथनाइट्स अगर हम कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं अगर आपको पता होगा एस्केंड्रियम, वाइट्रियम, लेंथेनम और एक्टेनियम है, बी ग्रुप में आप देखें तो आपको निश्चित तौर से इस बात की पता चलेगी। तो ये लेंथेनाइट्स है। सेवेंथ पीरियड को हमने ओनली 105 एलिमेंट्स की बात करा, हमने 118 एलिमेंट की चर्चा नहीं कर रहा। और 105 एलिमेंट लेते हैं तो सेवेंथ पीरियड को हम स्टिल इनकम्प्लीट मान सकते हैं। परंतु इस बात पर अगर देखा जाए तो सेवेंथ पीरियड में दो एलिमेंट्स नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब फिक्स वैलेंसी है, और ये तीन एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स है जिसका वेरिएबल वैलेंसी है, और 14 एलिमेंट्स जो है एक्टिनाइट्स है। और एक्टिनाइट्स और लेंथनाइट्स की हमने चर्चा किया कि यहाँ देखें आप ये 32 कैसे आया। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 8 एलिमेंट्स हमारा नॉर्मल था, 10 एलिमेंट्स हमारा टीएमएस था, ट्रांजिशन मेटल था, और 14 एलिमेंट्स जो है वह लेंथनाइट्स था। उसी तरह यहाँ हम देखें 19 एलिमेंट्स का अकाउंट देखिएगा तो 2 एलिमेंट्स नॉर्मल है, 3 एलिमेंट्स क्या है ट्रांजिशन मेटल है, और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइट्स है। तो हम लोग जो अभी तक प्रीवियस में पढ़े हैं उसको आधार पर देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लेस का मतलब ये फर्स्ट ए अगर देखते हैं और सेवेंथ ए देखते हैं, मतलब फर्स्ट ए को आप अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं आप, और सेवेंथ ए को आप हैलोजन्स कहते हैं आप। इसका जो कैरेक्टर है हाइड्रोजन का वो फर्स्ट ए से भी कहीं ना कहीं केमिकली मिलता है, सेवेंथ ए से ही मिलता है। अतः मेंडलीव यहाँ इस बात को प्रूव नहीं कर सका, इसको फर्स्ट ए में रखा जाए कि सेवेंथ ए में, अतः ये कंट्रोवर्शियल रह गया, विवादास्पद का था। अब प्लेस ऑफ आइसोटोप्स लीजिए, जैसे कार्बन है 12 भी है, कार्बन जो है 14 भी है, तो निश्चित तौर से मास नंबर पर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। तो ऑब्वियसली इसको भी दो कॉलम बनाना चाहिए, लेकिन एक ही कॉलम के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया गया। ये कार्बन के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली है इस आइसोटॉप के बारे में भी कुछ ये इंडिकेट नहीं किया, और इसका प्रॉपर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई स्पेस नहीं छोड़ा। सबसे अहम बात है यहाँ देखा जाए स्केंडियम है, ट्रांजिशन मेटल आपका बीच में। हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन आपको बता दें, और उस स्केलेटन को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो है, ये मैं जो लिख रहा हूं उसको आप देखें, ये जो पोर्शन देख रहे हैं यही है ट्रांजिशन मेटल का क्षेत्र, ट्रांजिशन मेटल का जो क्षेत्र। इस ट्रांजिशन मेटल में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ वहाँ स्कैंडियम, वाइट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम है। यही लेंथेनम से लेंथेनाइट हो गया, एक्टिनियम से एक्टिनाइट हो गया। और तो और अगर आप देखेंगे यहाँ तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल जिसको आप एट कहते हैं, ये तीनों को एक ही घर में रख दिया गया। इसके लिए कोई अलग से कॉलम पीरियोडिक टेबल में मेंडली साहब नहीं की। तो यहाँ जब लेंथनाइट्स था तो यहाँ इसको एकोमोडेट करना चाहिए, जबकि इसको निकाल करके इस पीरियोडिक टेबल के स्केलेटन के बॉटम पर रख दिया गया। इसलिए प्लेस ऑफ लेंथनाइट, एक्टिनाइट
और ये एट, एट का मतलब आयरन कोबाल्ट निकेल का भी प्रॉपर पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं मिला। अब एनामेल स्फीयर क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल हो या उससे पहले वाला हम लोग जो पढ़े हैं वो नूलेंड्स हो, लॉथर मायर हो या जो भी प्रीवियस चर्चा हुई है, सब मास नंबर पर है। तो मास मेंडलिप ने जब मास नंबर को आधार बनाकर पीरियोडिक टेबल अरेंज किया तो निश्चित तौर से लेफ्ट टू राइट किया गया, लेफ्ट टू राइट किया गया, तो यहाँ लोअर मास नंबर दिया गया, यहाँ हायर मास दिया नंबर दिया गया। फिर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अगर हायर है तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ हायर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखें अल्कली मेटल होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबाइडियम, सीजियम, और यहाँ देखेंगे आप हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड, ठीक है। तो अब जैसे लिथियम के मास या लीजिए, सोडियम या लीजिए या पोटासियम, तो ऑब्वियसली है जो पोटासियम और आर्गन में आप देखेंगे तो ये लोअर मास नंबर इसके रिस्पेक्ट में हायर है, तो इसके तुलना में यह हायर है, तो यहाँ इसके तुलना में इस यहाँ हायर होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया, आप गौर से देखेंगे तो आर्गन का जो मास नंबर है 39.9 है और पोटासियम का 39.1 है। निश्चित तौर से ये दोनों का जो मास नंबर है प्रॉपर में अरेंजमेंट नहीं है। यही नहीं, पीरियोडिक टेबल में बहुत ऐसे जगह है जहां की मास नंबर को आधार बनाकर जब बनाया गया तो लेफ्ट साइड लोअर मास नंबर, राइट साइड हायर मास नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, मास का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई, इसे कहते एनामेलस पेयर कहते। इसका मतलब ऑब्वियसली इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि रिपीट मैं करता हूँ, प्लेस ऑफ आइसोटॉप जो डिमेट्स रहा मेंडलिप का, इसके लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया, प्लेन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इसके बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट और सेवेंथ दोनों से प्रॉपर्टी रखा जाता था, प्लेस ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स, और एनामेलस पेयर का मतलब सीधा मीनिंग होता है कि इंक्रीजिंग मास नंबर को ओबे नहीं किया गया। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो प्रॉपर्टीज वर्सेस मास नंबर पर आधारित था, उसमें हमने फ्रॉट की बात किया, डवर्नियर की बात किया, न्यूलैंड की बात किया, लॉथर मायर की बात किया, मेंडलिप जिसके एरा में 63 एलिमेंट का डिस्कवर्ड हो गया था, हमने पीरियड और ग्रुप की भी बात कर दिया, और वो पीरियड ग्रुप उसके अनुसार मैंने चर्चा किया, उसमें जो एक कमी है जिसको हम क्लियरिफाई करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। इन मॉडर्न जानने का मतलब क्या है कि अभी तक जानकारी मुझे मास नंबर का है, अब मोसले के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर पर चर्चा करेंगे, और एटॉमिक नंबर पर जब चर्चा होगी तो ऑब्वियसली है हम थोड़ा समरी करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सोचने समझने की जरूरत है। पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज को आप पीरियड कहते हैं, जिसकी संख्याएं 7 होती है, इस तरह से लिखा जाता है। पीरियड्स के अंतर्गत जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आधार पर हम लोग स्मॉलेस्ट, स्मॉल, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट कहते हैं, जिसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। हमने 105 एलिमेंट्स की बात की है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है, अतः कहीं न कहीं वो केमिकली एक्सप्लेन किया जाएगा क्या वजह है कि हाइड्रोजन को कंट्रावर्सियल कहा जाता है, जो हम आगे बताएंगे। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इस यहाँ जो 8, 8, 18 लिखा हुआ, यहाँ से आप मिला सकते हैं। फोर्थ पीरियड पीरियोडिक टेबल जो दिया गया है
उस टेबल को रख करके आप समझे तो पता चलेगा 8 एलिमेंट्स नॉर्मल है और ये 10 एलिमेंट ट्रांजिशन है, इसलिए 18 यहां दिख रहा है। फिर आई फिफ्थ में आई, 8 एलिमेंट्स नॉर्मल है, 10 एलिमेंट इसलिए 18 दिख रहा है। ये 32 कैसे आया? बेसिकली सिक्स पीरियड में नॉर्मल 8 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट ट्रांजिशन है, 14 एलिमेंट्स लेंथनाइट्स, 32 का अकाउंट्स होगी। लेकिन हम सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट माने हैं और 105 तक ही बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, उसके बाद तो लेके हमने लिख दिया 637s2, तो ऑब्वियसली है कि उन 19 एलिमेंट का अकाउंट लेंगे तो 2 एलिमेंट्स नॉर्मल हो जाएगा और 3 एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हो गया 40। इसको आप टोटल जोड़िएगा तो इसे 105 आएगा। हमने डिमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियड टेबल बात किया, सीधा समझिए कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लेस अगर मेंडलीव के अनुसार देखें तो फर्स्ट और सेवेंथ है, जो इस एक कंट्रावर्सियल है। प्लेस ऑफ आइसोटॉप, एक ही एलिमेंट का एक से अधिक केमिकल स्पेसिस होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इसका भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। प्लेस ऑफ लैंथेनाइड